सो हेलो भाईलो, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग और गाइस, आप सबका स्वागत है यहाँ पे एक और नई वीडियो में। और मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आ चुका हूँ एक और नया एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल इवोल्व का, आर्क प्रामल वीआर 100 एक्स का। तो गाइस एक्चुअली मैं इंट्रो इधर का उधर चला गया ना गाइस, अच्छा सीरीज चेंज हो गई लेकिन इंट्रो मारना भूला नहीं गाइस। मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ गाइस यहाँ पे एक और नया एपिसोड गाइस, आर्क पुग्नेशिया का। गाइस आर्क पुग्नेशिया के पिछले एपिसोड में हमने काफी खतरनाक से जो ना गाइस अजीबोगरीब जीव जो ना गाइस वो यहाँ पे देखे थे। हमने 700 और 800 लेवल के खतरनाक से जो पीटी है ना गाइस उनको भी टेम करने का काम पिछले एपिसोड में करा था। एंड गाइस आज के एपिसोड में हम क्या करने वाले, आज के एपिसोड में जो ना गाइस हम यहाँ पे जाके और भी ज्यादा खतरनाक और डेंजरस से जो डायनोस को जो ना गाइस टीम करने वाले और इस मैप को और इस मॉड को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करने का काम जो ना गाइस वो करने वाले। बट गाइस आज का जो एपिसोड है हमारा प्यारा प्यारा सा, वो शुरू करने से पहले जो भी नए बंदे हो गए यार चैनल पे फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके 80,000 सब्सक्राइबर का जो हमारा गोल है ना गाइस वो जल्दी से कंप्लीट करने में हेल्प कर देना गाइस। तो चले भाई लोग करते हैं आज का एपिसोड बिना किसी देरी के शुरू। वैसे गाइस ये देख रहे हो ये कोई मैजिकल विस्प है, इसका यूज क्या है ये मेरे को अभी तक पता नहीं चला है। ओपन पुग्नेशिया गाइड, ये गाइड भीड़ देती है क्या? प्लेयर जीपीएस लोकेशन, अच्छा क्लोज कैसे करूं? हाँ और क्या करती है? इनेबल वॉन्डरिंग, इनेबल मेटिंग, मेटिंग भी करते हो तुम लोग? पिकअप पिकअप नहीं करना है भाई इनका, मैं लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा है गाइस यूज क्या है भाई इनका, यूज बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए चल के ना गाइस ग्लो टेल को टेम कर लेते। मैंने कल जो है ना गाइस, कल मतलब पिछले एपिसोड में जो ना गाइस अपने ग्लो, नहीं यार रैप्टर, रैप्टर मेरे को रैप्टर 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 बेच गया भाई। ग्लोटेल को उठा लिया डायरेक्टली मैंने, चलो आ जाओ रैप्टर के बच्चे, लाड़ में आ रहा भाई ग्लोटेल को उठा के लेके जा रहा हूँ भाई। शॉली ग्लोटेल मारा ना तेरे को, बहुत मारा ना उसने, कोई ना कोई ना मैं टीम खोलूंगा ना तेरे को, टेंशन नहीं लेने का मैं टीम खोलूंगा तेरे को ठीक है। हाँ चुपचाप बैठे रह रहे, ग्लोटेल मिली बच्ची ले मार दिया ना तेरे को, रुक जाए ले खा ले खा ले खाना खा ले, खाना नहीं खाएगी कहाँ भाग रही है, अच्छा भग जाएगी क्या? अरे भगना नहीं, ले लेना खा लेना खा लेना, रेडी टू ईट काय का रेडी टू ईट भाई, तो भगे जा रही है भाई इसके एक बावड़ी पूछ। अच्छा चल भाई भग जा चल, कोई ना बाद में आता, मैं बाद में आता ठीक है, रुक जा। उस तरफ एक और गाइस मेरे को ग्लोटेल दिखाई दिए थी, उसको टेम करने की कोशिश करते। रैप्टर को पहले उड़ान दो भाई, आज इसको मेरे को टेम करना था, रैप्टर ने पेड़ा गर्ग कर दिया भाई है लाड मारे। ज़ॉम्बी भाई, इसमें ज़ॉम्बी डायनोस भी है गाइस, खतरनाक से ज़ॉम्बी डायनोस भी है, तो उनसे भी बच के रहना पड़ेगा। ऑलराइट भाई ग्लोटेल जो ना गाइस मेरे से आई थिंक डर गई थी गाइस ठीक है, मैं चुपके से जाऊंगा। ये ग्लोटेल हाउ आर यू, और ये वल्चर के बच्चे तेरे को बाद में मारूंगा, रुक जा रुक जा। इसको ना मीट खिलाना है, मैंने पिछली बार मीट खिला के देख रहा, उसको हाफ टेम कर रखा है। टड़ा टड़ा, ओ आई दे रे आई जी, ओ क्या कहेगी मैं जो, अरे यार तुम बिना किबल चिबल मांगो ना तुरंत दे देता किबल चिबल तुमको। अबे यार रेडी टू इट बट कब, वेट अंटिल इज गेट हंगरी भाई ठीक है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गाइस अपने पास आ चुके ग्लोटेल, उड़ जा भाई उड़ जा उड़ जा उड़ जा, देखो कैसे ऐसा उड़ती रहती है गाइस ग्लोटेल, ये ग्लोटेल जो ना काफी ज्यादा कूल होती है गाइस। इसके जलवे में आपको दिखाता, रुक जाओ पहले पहले जो ना गाइस मैं अपने रैप्टर नहीं सॉरी अपने पीडी को जो ना गाइस वो क्रायो कर लेता हूं, पीडी के अंदर से सारा सामान। ए वो देन ज़ॉम्बी ब्रेन मिल गया मेरे को, वो भी 9000। ये ज़ॉम्बी ब्रेन जो ना गाइस मेरे काफी ज्यादा काम आने वाला है गाइस पता है आपको, क्योंकि ज़ॉम्बी ब्रेन से मैं ज़ॉम्बी क्रीचर्स को टेम कर सकता हूँ यहाँ पे। वैसे ज़ॉम्बी क्रीचर के बारे में जो ना गाइस आपको मैं बाद में बताता हूँ, पहले ये ग्लोटेल जो हमने गाइस यहाँ पे कैच करी है इसके बारे में भाई मैं आपको बताता हूँ, वैसे मेरे को खुद पता नहीं मैं आपको क्या बताऊँ गाइस ठीक है। देखो गाइस ये ले हमारी पहली पहली जी ग्लोटेल मैडम जी, हेलो अटैक क्या कर रही है? ओ बाप रे इतनी ज़्यादा बड़ी सी जीप बाहर निकाल रही है, और इसके अलावा और कोई अटैक नहीं है इसके बाद, लेकिन दिखने में क्यूट है कुछ भी करो गाइस, मेरे को पसंद आती है क्यूट चीज़ें भाई। ये कैसा उड़ रही, देखना ये देखना ये भाई देखो भाई स्माइल भी कर रही है, देखो ई ही करके स्माइल कर रही है भाई, मेरे को पसंद आई यार ये ग्लोटेल। शायन तेरे को भी टेम कर रहा मैं ठीक है, रुक जा टेंशन नहीं लेना टेंशन नहीं लेना, तेरे को भी टेम कर रहा, पहले वर्चुअल को मार के जो ना गाइस मेरे को थोड़ा सा भाई वो मीट का जुगाड़ करने दे। वक बेस क्या वल्चर के बच्चे साफ क्यों पड़ा है मुझे भाई, 1000 मिल गया ना अपन को, हाँ भाई 1000 स्पॉइल मीट मिल चुका है गाइस ठीक है, इसको पट से ओके ठीक है, एक और बार खिलाना है, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़े टाइम में इसको वापस ही खिला के शायन उनको भी टेम कर लेंगे भाई ठीक है। इसकी जो ना कि थोड़ी सी लेवल अप करके इसके हेल्थ में पॉइंट डाल लेता हूँ, इनकी हेल्थ जो ना गाइस काफी ज्यादा तगड़ी तरीके से बढ़ रही है, देखो देखो हेल्थ रीजनरेशन तो देखो गाइस इन लोग का,
भाई एकदम सॉलिड वाला है गाइस, मेरे को कुछ हीलिंग विलिंग पोशन डालने की जरूरत ही नहीं है। वैसे इनमें जो बॉस होंगे ना गाइस, उनका भी हेल्थ रिजनरेशन ऐसे ही खतरनाक वाला होगा गाइस, ठीक है। और ये ग्लोटेल जो ना गाइस कोई खास और एकदम सुपर पावर होने मतलब जिसके पास कोई है नहीं, बट ये जो ना गाइस दिखने में काफी ज्यादा क्यूट है गाइस, ठीक है, मेरे को काफी पसंद आई है। देखो तो गाइस इसका पैटर्न भी जो ना गाइस वो काफी कूल बना हुआ है इसके शरीर के ऊपर। वैसे तू खाएगी क्या? ओ भाई गाइस देखो देखो देखो, दो दो क्यूट क्यूट चीजें एक ही वीडियो में टेम कर ली। ओ क्या क्यूट लग रही है मेरे कंधे पे, देखना तो एक एक पैर जो ना गाइस मेरे कंधे पे ऐसे आगे डाला हुआ है, दो पैर, अच्छा दो पैर ऐसा पीछे, भाई देखो गाइस इसे भाई पकड़ के बैठी मेरे को, छोटा बच्चा नहीं बैठता। और देखो पूछ देखना इसकी, देखना हिला बेटा, देखो 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 भाई एक ही नहीं हो रही है इसके, छोटू से डेविल हॉर्न्स। अगर रियल में होती है ना तो इस बकरी को जो ना गाइस अपन भाई पकड़ लेते यार, कितनी क्यूट लग रही है गाइस, बताओ गाइस लगी कि नहीं क्यूट आपको भाई। एक देखो दो दो क्यूट चीजें जो ना गाइस एक ही एपिसोड में टेम कर ली यार अपन ने। तीन चीज, तीन तीन तीन, दो नहीं तीन, तीन क्यूट चीजें। हेलो पैसिव टेम है क्या, हमें जो ब्रेक खाएगा तेरे को कहाँ पे लेके जाओ भी, तू कहाँ पे बैठेगा। ये देखो गाइस, ये देखो ये तीसरी क्यूट चीज है भाई, देखो खड़ा हो जा भाई, देखो ओए ओ भी बोल दे भाई, ओ भाई देखो मासूम सा चेहरा, देखो देखो देखो। अच्छा इसके दांत भी हरे हरे क्या बेटा, मुकर आ आप आ जिलबो आ अकल 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 आ, अरे कर दिया था मैंने, कहीं छोड़ दिया, आ कर दे आ आ आ आ आ आ आ, अरे आ करना एक चपेट दूंगा वरना बम पे भाई, आ नहीं कर रहा क्या तू। और ये भी मेरे को देखो कैसे पकड़ के बैठा है गाइज, इसके दांत भी जो ना गाइज ये देखो कैसे भाई क्यूट लग रहा है, देखो आ कर रहा है लेकिन इसके दांत नहीं दिखे भाई। चलो लेकिन मेरे को ये नहीं चाहिए जिरबुआ, आई एम चोली बाबू, क्योंकि अभी मैं चाइनोन को लेके जाऊंगा। वैसे जिरबुआ मेरा फेवरेट डायनो है, बट आज मेरे को ये कुछ ज्यादा ही पसंद आया, इसका कलर कुछ ज्यादा ही पसंद आया भाई, ठीक है। आ जा आ जा, ये देखो कैसे आ रही है मेरे को भी करके भाई, ऐसा नजदीक नजदीक आ रही है यार ये, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो 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 इनको लेके चल दे। एंड भाई थोड़ा सा बेस बेस बना के वहाँ पे भाई वो स्टोरेज ब्रेक बॉक्स बना डालता ना यार, क्या बोलते, अरे अपग्रेड स्टेशन बनाना है सबसे पहले यार मेरे को, रुक जाओ और मेटल वेटल का जुगाड़ कर लेता हूँ भाई। ग्लोटेल तेरी स्पीड बहुत ज़्यादा ही खतरनाक वाली है, ऐसे स्पीड में तो 400 साल लग जाएंगे मेरे को कहीं पे पहुँचने के लिए, ठीक है भाई। चलो कैसे सारा मेटल देख रहे हो, कैसे सारा का सारा मेटल जो ना गाइस मेरे को हार्वेस्ट कर लेना है। वैसे यहाँ से जो ना गाइस मैं थोड़ी सी पॉइंट एरो बना के लेके जाओ क्या, वैसे मेरे को जरूरत तो नहीं लग रही है बट फिर भी अपन ले लेते हैं भाई, ठीक है। वहाँ पे अपन अपोजिट साइड पे जाने वाली नदी के, तो वहाँ पे जो ना गाइस हमको जरूरत पड़ सकती है, और ग्लोटेल को लेके जाऊंगा और दूसरी ग्लोटेल को वहाँ पे डेम करूंगा, समझ रहे हो गाइस। ये वाली ग्लोटेल को लेके जाके दूसरी वाली को डेम करके लेके आऊंगा भाई, इतना मेटल आई थिंक 200 से तो काम नहीं बनने वाला, बट एक काम कर लेता हूँ, इसके लिए चाहिए होता है मेरे को फ्लिंट एंड इसको अपग्रेड कर सकता हूँ जरूर, इसको अपग्रेड जरूर कर सकता हूँ मैं। वेट अ मिनट, मेरे को थोड़ा फाइबर चाहिए होगा एंड मेरे को वो चाहिए होगा थोड़ा सा गाइस, फ्लिंट बिन चाहिए होगा गाइस, ठीक है। मेरे को वुड भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए होगा, मैं इस वाले जो है ना गाइस एफएमके वाले टूल्स को अपग्रेड कर लूँगा सबसे पहले, ठीक है। ले बेटा ले, कितना फाइबर, फाइबर आई थिंक 1-2000 फाइबर से आई थिंक अपना काम बन जाना चाहिए गाइस मेरे हिसाब से। ऑलराइट, एंड फाउंडेशन ब्यूटेशन भी लगानी है ना, तेरा टॉर्पर कितना है बेटा, 92,000 भाई। वरना इस मिनी वाले जो है ना गाइस टाइटनोसॉरस को भी टेम कर लेता गाइस, मिनी टाइटनोसॉरस। ओ यहाँ से भाई रुक जाओ, यहाँ से मैं थोड़ा हाइड बीड भी लेके चलता हूँ, काम आएगा क्या साइड। ओ लेवल अप आ गई इसकी, हेल्थ में डाल देता हूँ ताकि ये मरे ना कभी भाई, ठीक है। और इनके लिए फीडिंग पॉड भी लगा रखना है मेरे को गाइज, फीडिंग पॉड भी लगा के रख देना है। ऑलरेडी इधर आ जाओ, ओके आया कैप्टन। एंड यहाँ से, अरे ये मेरे को फॉलो करे जा रही है गाइज, देखो तो भाई ये भाई पत्थरों पत्थरों पर भी चढ़ सकती है क्या चिपकली, ट्राई करना पड़ेगा गाइज मेरे को। ये ग्लोटेल जो है गाइज क्या क्या कर सकते हैं वो ट्राई करना पड़ेगा। 1000 आई थिंक इतने से काम हो जाएगा भाई, गलती से इसको लग गया थोड़ा सा भाई, ठीक है। चलो आ जाओ गाइज, ओ ये चले चले इसको लेके चलते हैं, इसको लेके चलते ऊपर तक। एंड आई थिंक भाई स्ट्रेट मतलब ऑलमोस्ट, अच्छा चढ़ सकती है क्या, नहीं चढ़ सकती क्या स्ट्रेट सरफेस पे, शायद ट्राई मार ले। ओ नहीं चढ़ तो नहीं सकती बट जंपे जंपे मार जरूर सकती है गाइज, चढ़ तो नहीं सकती बट जंप मार सकती है, चलो अच्छी बात है। लेट्स गो, इसको जो ना कहीं घर पे छोड़ देते हैं। और घर कहाँ पे बनाना है अपना, अपना घर का इसमें यहीं पे बना डालता भाई। ये विस्प जो ना गाइज उसको थोड़ा सा दूर रखूंगा और यहाँ पे फाउंडेशन लगाना चालू कर दूंगा। विस मैडम जी एक्सेस इन्वेंटर, अच्छा मेरे कंधे पे वो है ना उस रीजन से दिक्कत हो रही है, ठीक है भाई रुक जाओ, इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। एंड अपना छोटा बेस अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे बनाने वाला हूँ। विस मैडम जी आप इधर चले जाइए, एंड स्टोन के फाउंडेशन जो ना गाइस वो मेरे को बना लेने हैं भाई, ठीक है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगा गाइस अभी फिलहाल के लिए, कल जो ना गाइस कल मतलब कल तक जो ना गाइस कल वाले जो भी एपिसोड आएंगे ना पुगने चाहिए के, उसमें जो ना गाइस घर बनाने के लिए जितना भी सामान चाहिए होगा वो सारा सामान जो ना गाइस बना के रख दूंगा। अभी फिलहाल के लिए 50 गाइस यहाँ पे टोटल जो ना गाइस फाउंडेशन बन रहे हैं। वैसे 50 फाउंडेशन की मेरे को अभी जरूरत है नहीं गाइस, ठीक है समझ रहे हो।
इसको थोड़ा और दूर डाल लेता हूँ भाई, ठीक है, इतना दूर इनफ रहेगा। एंड ग्लोटल जी आप भी थोड़ा सा दूर आ जाइए, क्योंकि वहाँ पे मैं घर बनाने वाला हूँ। एंड फिटिंग विटिंग पॉट भी मेरे को लगा देने का, ठीक है, पीटी को भी दूर कर लेता हूँ। वैसे मैंने दो एपिसोड में काफ़ी सारे डायनोज जुड़ा गए, उनको यहाँ पे टेम कर लिया यार, इट्स कूल ड्यूड। ऑलराइट बस रुक जा, छः सात से काम बन जाना चाहिए भाई, ठीक है। शुरुआत यहाँ से करता हूँ ताकि अलाइन करके रख सको। नो कोलिजन वाला वो सीन है ना, मैं सिंगल प्लेयर में खेल रहा हूँ। ओके ठीक है, चलो कोई सीन नहीं है भाई। यहाँ पे बना डाला अपने फोर्ज, बना देने अपग्रेड स्टेशन ना, अपग्रेड स्टेशन स्मिधि फोर्ज हर एक चीज़ बना देने मेरे को, ठीक है। फोर्ज बना डालनी है, ये वाली फोर्ज अनलॉक नहीं होती, पहले ये वाली अनलॉक करनी पड़ती है, देन आगे जाके ये वाली अनलॉक हो जाती है गाइस, ठीक है। अपग्रेड स्टेशन कौन सा वाला है भाई, हाँ ये बन सकता है ना। फोर्ज कितनी बन सकती है, 27 फोर्ज नहीं बनानी है, कम से कम 5-10 फोर्ज बना लेनी है, उसे काम अभी फिलहाल के लिए अपना चल जाएगा। लेटर थोड़े से बॉक्स भी बना लेता हूँ और वो भी लगा दूंगा गाइस, ठीक है। अपग्रेड स्टेशन में जब तक फोर्ज बन रही है ना, तब तक अपने टूल्स जो है ना जिनको अपग्रेड करने का काम कर लेते हैं। स्टोन एंड थैच एंड ये ले बेटा, एंड फ्लिंट भी ले ले भाई, ठीक है। एंड चाहे तो फाइबर भी ले ले, ठीक है। चार तो ये बन ही गए गाइस, सारा सामान इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो इनका भाई बनना रुक गया गाइस यहाँ पे, ठीक है। मैं थोड़े से फाउंडेशन भी बना लेता हूँ, हो गए क्या सेंटेड वाले, आई थिंक हो गए गाइस। इनका ब्लूप्रिंट बना लेता हूँ गाइस, ठीक है, ब्लूप्रिंट वाला भाई अनलॉक कर लेता हूँ। ब्लूप्रिंट से जो ना कैसे अपन को काफ़ी तगड़ा वाला वो मिल जाएगा, ब्लूप्रिंट ऐड ऑन, ये वाला ब्लूप्रिंट बना सकता हूँ मैं, ब्लूप्रिंट ऐड ऑन बना लूँगा। इजी पीजी भाई, इजी पीजी ब्लूप्रिंट यहाँ पे डाल देता हूँ। ब्लूप्रिंट एक बार अगर अपन बना लेते हैं ना कौन से भी चीज़ का, तो उसको अगर आप उस ब्लूप्रिंट में से कोई चीज़ बनाते हो ना, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है ना गाइस वो मिल जाता है, मतलब उनका डैमेज भी मैच अपग्रेडेड वाला मिलता है आपको, समझ रहे हो भाई, समझ रहे हो। इसका भी ब्लूप्रिंट बना दे, ठीक है, चलो आ जाओ। एंड अपग्रेड ब्लूप्रिंट स्टेशन है, अपग्रेड स्टेशन में उनको क्राफ्ट कर लेंगे भाई, ठीक है। सारा सामान सामान इसके अंदर डाल के इसको भी क्राफ्ट कर ले, एंड इसको भी क्राफ्ट कर ले, अच्छा इसको क्राफ्ट कर ले भाई, ठीक है। वेट अ मिनट, देखता हूँ कितना है ये, 400 डैमेज है, कितना मिलेगा, 462। अरे यार डैमेज तो काफ़ी कम मिला यार मेरे को, 462 डैमेज मिला है। क्राफ्टेड स्किल बोनस 0.1 4। अरे यार ठीक है, चलो कोई सीन नहीं है, कोई सीन नहीं है, कहीं सीन से काम चला लेंगे अपन, ठीक है। और इनका भी अगर ब्लूप्रिंट बना लेता वंस मोर, सो कुछ होगा, आई डोंट थिंक कुछ होगा, बट फिर भी ट्राई कर लेते हैं गाइस, ठीक है। क्रिएट ब्लूप्रिंट एंड देन क्रिएट ब्लूप्रिंट, चेकआउट कर लेते कि ब्लूप्रिंट बनाने से और अपन को बूस्ट मिलता है कि नहीं, मतलब एकदम अपग्रेडेड वाले हथियार मिलते हैं कि नहीं। ऑलराइट, ओके डन। अच्छा एक टाइम पे मैं इसमें एक ही क्राफ्ट कर सकता हूँ, चीज़ में इन्वेंटरी में क्राफ्ट कर सकता था, 462। नहीं यार ना, ना मिल रहा है जिसमें वो भाई, मैंने वो जो बूस्ट मिलता है ना वो शायद सिंगल प्लेयर में मैंने सेट कर नहीं रखा है, उस रीज़न से दिक्कत हो रही है। चलो कोई ना, फाउंडेशन बना लेता हूँ थोड़ी सी और, एंड इससे अपना काम बन जाएगा गाइस, ठीक है, इन चीज़ों से अपना काम बन जाएगा वैसे भी। ऑलराइट, फाउंडेशन इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को जो ना गाइस यहाँ पे थोड़ी सी फाउंडेशन लगा देनी है, जहाँ पे मैं अपने बक्से सक्से जो ना गाइस वो लगा सकूँ गाइस, ठीक है। लाइक यहाँ पे फाउंडेशन और लगा डालनी है, यहाँ पे बक्से लगाऊंगा या फिर इस तरफ लगा डालूंगा ना, एकदम एंड पे, एंड पे बक्से सक्से लगा डालूंगा। ओके और दो तीन भाई फाउंडेशन बन जाए ना तो काम बन जाएगा, ठीक है। रुक जाओ, फाउंडेशन बना के जो ना एक काम कर लेता हूँ, जब तक फाउंडेशन बन रही है तब तक फोर्ज चिपका देता हूँ, उनके अंदर जो ना गाइस वो बनाने के लिए डाल देंगे अपन, बनाने के लिए ना एक्चुअली पिघलने के लिए डाल देंगे गाइस, ठीक है। अरे वी गो, चार फोर्ज के अंदर ज़्यादा तो मेटल मेरे पास है नहीं, बट जितना भी है गाइस वो डाल देंगे अपन। ओके यहाँ पे और, हाँ लाइक दिस, एंड दिस इज द एंड इज द ना, तो यहाँ पे बन जाएंगे लाइक, ओके डन। चल बेटा, ओके ओके हियर वी गो, डन। एंड यहाँ पे अपन को बना डालने हैं भाई बॉक्सेस, थोड़ा सा ग्राइंडिंग है, बट आज तो भाई अपन खतरनाक वाले डायनोस टेम करके रहने वाले गाइस, टेंशन नहीं लेने का। बक्से बना डाले, 1 2 3 4 5, अच्छा चार ही बनेंगे क्या। मेडल कितना है, 300 है भाई, 300 मेडल गाइस पिघलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट अपने पास चार है तो एडीडी करके डाल देता हूँ। एंड वुड कितना है, वुड भी ज़्यादा नहीं है अपने पास, तो थोड़ा थोड़ा सा वुड ही डाल देता हूँ गाइस, ठीक है। चलो लेट्स गो, लेट्स गो। ऑलराइट हियर वी गो, अरे 600 वुड नहीं डालना था भाई, जैसे वुड नहीं डालना था, ये वुड एंड ये भाई, ठीक है। चलो मेटल जेटल जो ना कैसे पिघल रहा है, बक्से सक्से जो ना कैसे वो बन चुके हैं अपने, बक्से बिक्से भी जो ना कैसे वो रख देता हूँ मैं, रुक जाओ। इसके अंदर जो मेटल पिघल रहा है ना, इससे अपन भाई क्रॉस बनाएंगे, ताकि अपन जो ना गाइस दूसरों को टॉर्पोर दे सके। और इसमें ट्रैंक मेरे को एक बार चेकआउट करने दो, कौन सी वाले गाइस, मेरे को लग रहा है काफ़ी खतरनाक वाली ट्रैंक जो ना गाइस मेरे को यहाँ पे मिलने वाली है। ओके एंड यहाँ पे
अपन बना डाल देगा इस बक्सेस अक्षय भाई, ठीक है, लाइक दिस दिस ओके। चलो गाइस बॉक्सेस बन चुके हैं एंड मेटल यहाँ पे पिघल रहा है। अपग्रेड सीजन में अपन ने टूल्स जो है ना बेसिक वाले बना लिए, और अपनी शाइन ऑन मैडम जी को ट्रैकर खिलाना पड़ेगा, बट मेरे को नहीं लग रहा जरूरत है भाई। इसकी वेट में ज़्यादा पॉइंट नहीं डाल रहा, इसकी हेल्थ में पॉइंट डाल रहे हैं, ना कि डैमेज में भाई, ठीक है। वैसे डैमेज भी काफ़ी तगड़ा वाला देगी, मेरे को पूरा भरोसा है, बट फिर भी जो है ना गाइस इसके डैमेज में उतना ज़्यादा पॉइंट नहीं डालूंगा। और ये खाती क्या है, बेरी ना आई थिंक, ये ले बेरी ले लें और मिड भी ले लें। मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं एक फीडिंग लगा देता हूँ ताकि कोई भी जो है ना गाइस फीडिंग, हाँ कोई भी जो है ना गाइस अभी भूख से ना मरे गाइस, ठीक है। और आई थिंक ये अरे यार थैज बीच नहीं है, ठीक है कोई ना, चलो इसने अपने वो तो फुल कर ली होगी, एचपी फुल कर ली भाई, ठीक है। चैलेंज को लेके अभी तुम्हारा भाई जो ना गाइस जा रहा है यहाँ पे कुछ खतरनाक से डायनोस को टेम करने के लिए भाई, ठीक है। स्पाइक क्लास अपने पास है, यहाँ पे मैंने एक भाई छूट उसी वो देखी थी ग्लोटेल, उसको भी टेम कर लूँगा मैं सबसे पहले उसका ना बहुत देर। ये आग किसने छुड़ी यहाँ पे, कहाँ से आवाज आ रही है, कहीं पे तो आग चाग छोड़ने की काम चल रहा है भाई। वेदर लाइट हाउ आर यू, पैसिव डे में क्या प्राइम मिड खाएगी, अरे यार तू भी ना भाई, ये ले प्राइम मिड ले ले, चल तुरंत ही टेम होने वाले मुझे, क्या तू भी लग तो रहा है मेरे को रेडी टू ईट, आ जा थोड़े टाइम में आ जाता हूँ, रुक जा तू क्या भाई नॉकआउट डे में आ रही, यार तू अकेला नॉकआउट डे में भाई, ठीक है चलो गाइस लेट्स गो। इसको भी जो ना गाइस सेम कर लेते भाई, चुप्पू जाने चुप्पू वेट अंटिल इज गेट हंगरी, थोड़ा सा और रुकना है, 50s का फुटबॉल डाउन हो जाएगा ना तब तक भाई अपन को इंतजार कर लेना। ऑर्गेनिक पॉलीमर तो कोई यहाँ पे ऑर्गेनिक पॉलीमर दिखाई दे रहा है, और साथ ही में प्राइम मिड भी दिखाई दे रहा है, चलना अंकल कल आना कल भाई। ऑर्गेनिक पॉलीमर किधर चला गया मेरा, ये रहा बग बेस क्या ऑर्गेनिक भाई, 300 ऑर्गेनिक पॉलीमर मिल चुका है गाइस, ठीक है। ये हमारे काफी ज्यादा काम जो है आने वाले, अरे फेदर लाइट उड़ खाए गई यार, अरे बल्ब डॉग, आज सारी क्यूट चीजें जो है वो टेम करके रहूंगा मैं, सारी क्यूट चीजें, अरे खाली ना वेट अंटिल इट्स गेटिंग हंगरी, हाँ वो क्या कह रहा है, कॉम्पी लोग उंगली नहीं करना मेरे से, कुछ भी करना मेरे से उंगली नहीं करना, वरना चेप डालूंगा मैं एक को। बल्ब डॉग को भी टेम कर रहा हूँ मैं, एंड वो किधर गई, वो ऊपर अटकी हुई है क्या भाई, कॉम्पी लोग को क्या चुल मचते समझ ना आता यार मेरे को। टेम हो गई गाइस, ये टेम हो गई भाई, ये टेम हो गई, इधर आ Oh yes! वेदर लाइट भी टेम कर लिया भाई, अभी बल्ब डॉग की बारी, रुक जाओ पहले कॉम्पी को चेप डाले, भागो भेज के, किधर गए वो कॉम्पी, भागो भेज के, लाड में आ रहे हो क्या तेरे लिए भाई, अरे ब्रॉन्टो भाई 100 के हेल्थ भाई, खत्म 100 के हेल्थ वाला ब्रॉन्टो भाई अपन कुछ, अरे शिट हम शॉली बाबू, अच्छा इसने पीछा ही छोड़ दिया, ओ नहीं बल्ब डॉग की जान खतरे में, देर इज द आलू सोरस इज द, अगर मैं इसको टेम करने गया तो उसकी पेटी बनना कन्फर्म, जिंदा रहने के 0.0001% चांसेस, हेल्थ 17,000 और इसकी भाई 1,00,000, जो से अपन पंगा नहीं लेंगे, अपन जाके आलू सर उसको भाई पट्टे से हेडशॉट देके सल्टी मार लेंगे, ओके एंड यहाँ पे उतर के भाई ब्रॉन्टो के बच्चे, अरे बल्ब डॉग को काहे मारा, ची यार मेरे को लगा था उसने पीछा छोड़ दिया भाई, 2 पे हो जा भाई 3 पे स्पॉन हो जा, मेरे को लगा था उस पीडी है भाई, मतलब ब्रॉन्टो ने पीछा छोड़ दिया, बट वो भाई ऐसा मतलब दुश्मनी ले बैठा था, चेप डाला मेरे को, रुक जा भाई अभी तो उससे बदला लेना बंदा, मेरे भाई छोटू छोटू से बल्ब डॉग को मारा है भाई, कलेक्शन बनाने वाला था क्यूट डायनो का भाई इसने तो भाई, रुक जाओ गया भाई अभी, भाई ब्रॉन्टो तू तो गई हो भाई, अपने भाई यहाँ पे जो ना उसको भी बोल देता हूँ पीडी को कि इसको चेप डाल डायरेक्टली, रुक जाओ, और अपने पास बैकअप के लिए, आपको पता चला ये पीटी को मैंने बाहर क्यों लगा रखा था, मेरे को पता था गाइस कि अपने साथ ऐसे कांड होने वाले, इसलिए जो ना गाइस ये अपना बैकअप प्लान था, ताकि अगर इनकेस अगर अपन कभी मर जाते ना तो भाई अपन को वहां पे जाने के लिए कोई बैकअप प्लान रहे अपने पास, इसलिए मैंने इस पीटी को टेम कर रखा था। मेरा पीटी कहाँ पे, मार जिंदा नहीं बचना चाहिए लोटा, जिंदा नहीं बचना चाहिए, रिजेन करेगा भेज क्या तेरे, हाँ रिजेन करेगा, चलो भाई ऑलराइट मेरी पेटी उठाने दो यार, हाथ में बॉल लिए मराओ, बताओ भाई क्या ही बोले, हाथ में बॉल लिए मरा था, और मेरा बल्ब डॉग रिवाइव कर सकता हूँ क्या तेरे को, क्या ना रिवाइव यू चौली, मैं तेरे को बचा नहीं पाया, मेरा बल्बू रे, अरे मेरी शाइनू रे, शाइनू तूने मारा उसको, अच्छा तेरे को नहीं मारा ना उसने, आ जाओ भाई 900 वाले को लेके चलेगा, थैंक यू ब्रो,
यू हेल्प मी, ओके इधर आ जा, अभी कोपची में आ जा, काफ़ी हेल्प कर ली तूने, ठीक है चलो आ जाओ, लेट्स गो। एंड अभी जो है ना गाइस, मेरे को यहाँ पे एक और बल्ब डॉग ढूंढना है, मेरे को चाहिए बल्ब डॉग, पॉइजन है क्या? नहीं तो नॉर्मल वाला है यार, डरा गाइस कोई और, मेरे को बल्ब डॉग चाहिए यार, तो सारे क्यूट है भाई, बर्फ वाला लुंडे ना इसको, एक मिनट वो कौन है, ग्लेशियर, वो ग्लेशियर डायनो ने भाई, ओके ओके ओके, मतलब यहाँ पे अलग अलग एलिमेंटल वाले मतलब डायनो मिलते हैं, आइस फायर ये वो फलाना ढिलाना टाइप, गॉट इट समझ में आ गया मेरे को गाइज, समझ में आ गया गाइज, यहाँ पे काफी ज्यादा ग्लूटेल है भाई, और मेरे को ऐसा क्यूट क्यूट वाली ग्लूटेल चाहिए जिसका कलर काफी खतरनाक वाला हो, अरे बाप रे, देखो भाई स्पाइनोसॉरस भाई टाइटन को मारने की कोशिश कर रहा है भाई, बावड़ा हो गया लग रहा है गाइज मेरे को, पर मैं खास करके ना बल्ब डॉग को ढूंढ रहा हूँ गाइस, मेरे हाथों से मर गया यार बेचारा, आ ओए हेलो हेलो ब्लो, तीमो का मेरे से कितना छे खाएगा, रुक जा, छे लेके आएगा ना तेरे लिए, तो यहीं पे इंतजार करा, थोड़ा और थोड़ा सा लो लेवल का देख लेता हूँ, जो थोड़ा कम खाना खाए यार, छे खिलाते खिलाते मेरी हवा ना टाइट हो जाए यार यहाँ पे, ओके इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ पहले, ताकि खिलाने के बाद तुरंत ही उसको क्रायो कर सकूँ मैं भाई, ठीक है ऑलराइट गाइस ऑलराइट, आ जाओ आज तो क्यूट क्यूट डायनोज की भाई ऐसे मतलब लाइन लगा दूंगा मैं, हेलो ए भाई, अरे खा लिया भाई दूसरा भी, अच्छा तू बहुत ज़्यादा बुक्कड़ है मेरे को लग रहा है, तेरा तुरंत ही भाई आ रहा है फीडिंग वाला, रुक जा इसका जिसे फीडिंग वाला आएगा ना मैं वापस से इसको कर लूंगा भाई, लेकिन कुछ भी हो जाए ये हमारी शाइनोन की जगह कोई नहीं ले पाएगा, कितने भी क्यूट डायनो अपने भाई इसमें आ जाए, बट कोई भी जो ना अपने शाइनोन की जगह नहीं ले पाएंगे, शाइन इज तो बेस्ट, शाइनोन इज द बेस्ट ब्रो, ठीक है चलो आ जाओ, वेट एंटिल इट्स गेट हंगरी भाई, कैसे चल रहा है इसके पिछवाड़े, अरे पॉटी डाल रहा है मेरे ऊपर हक दीस भाई, ये देखो भाई शर्म नहीं आती तेरे को भाई, मेरे ऊपर हक दिया भाई इसने यार, जी भाई ठीक है कोई ना, एक और लास्ट टाइम दिन भाई हो जाएगा टेम तुरंत ही भाई, हाय अब मैं इसके ऊपर राइड कर सकता हूँ मेरे हिसाब से गाइस, और मैंने वो भाई वो पंची टेम करा था उसके ऊपर भी राइड कर सकता था क्या, मेरे को पता नहीं यार मैंने देखा नहीं, ओ यस राइड, ओ भाई बल टॉप के ऊपर आप बैठ सकते गाइज भाई, देखो ओए टिचिक, वैसे नॉर्मल गाइज बल टॉप है तो इसके पास कोई स्पेशल अटैक नहीं है भाई, रैप्टर शैप्टर क्या ऐसा लग रहा था कि साइड से रैप्टर आ रहा है भाई, मेरे तो फट गई गाइज यहाँ पे, देखो गाइज देखो ये हमारा चौथी चौथी सा बल टॉप, वैसे मैंने वो फेदर लाइट टेम करी थी वो क्या करती है क्या, मैं फेदर लाइट के ऊपर, ओ मैं फेदर लाइट के ऊपर भी राइड कर सकता हूँ गाइज, ओ भाई देखो तो भाई सारे क्यूट डायनो आज के इस एपिसोड में टेम करे, शाइन ऑन ग्लो टेल फेदर लाइट बल्ब डॉग जेरुबुआ, भाई सारे डायनोस टेम कर लिए भाई, जेरुबुआ के ऊपर तो राइड नहीं कर सकता ना, ये तो नॉर्मल जेरुबुआ, इसके ऊपर राइड नहीं कर सकते अपन भाई, आजा बेटा आजा इधर आ, कोपचेवाड़ी में आ जा गाइस, ठीक है हो आई, मजा आ गया गाइस मजा आ गया, वैसे इनको जो ना गाइस मैं यहाँ पे मार काट करने के लिए यूज नहीं करने वाला, ये चीज मैंने ऐसे क्यूट क्यूट डायनो का कलेक्शन बनाने के लिए जो ना गाइस इन लोग को मैंने टेम कर रखा है गाइस, ठीक है मेरे को क्यूट क्यूट डायनो चाहिए थे इसलिए जो ना गाइस मैंने इन लोग को जो ना गाइस टेम कर रखा है, और अपन जो ना गाइस अगले एपिसोड में क्या करेंगे, अगले एपिसोड में थोड़ी ट्रैंक भी क्यारो जो ना गाइस वो बनाने का काम चालू कर देंगे, वैसे आज जो भी मैंने क्यूट क्यूट डायनो जो ना गाइस हमारे टेम कर लेना, उसमें से आपको कौन सा क्यूट डायनो जो ना सबसे ज्यादा अच्छा लगा मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर से बता देना, और जो भी अच्छा डायनो लगा होगा ना गाइस उसके लिए अच्छे नाम मुझे कमेंट में डालना नहीं भूलना, क्योंकि आज का जो एपिसोड है गाइस आर्क बुगनेशिया का वो यहीं पे खत्म करने का टाइम आ चुका है, इसको भी टीम कर लूंगा, ये भी क्यूट लग रहा, कैसे टीम होगा, अच्छा नॉकआउट टीम होगा, वेजी खाएगा मेजोबरी खाएगा, अबे रेक्स मेरे को उल्टा धोएगा, मेरे को मेजोबरी खाने के लिए मतलब खिलाने के लिए जाऊंगा तो नहीं धोएगा क्या, पता नहीं यार देख लेते, चलो आ जाओ, आ अभी डाले ओके मरना मरने वाला था अभी भाई, मैं ज़ॉम्बी रेक से भाई नहीं करना उस गोडे में जा रहा हूँ चुपचाप गाइस अपने घर पे, लेट्स गो गाइस आज का जो एपिसोड है ना मरते मरते बचाओ, लेकिन आज का एपिसोड जो है ना गाइस हम यहीं पे खत्म कर लेते हैं आर्क बुगनेशिया का, मिलते हैं गाइस सबसे अगले एपिसोड में आर्क बुगनेशिया के, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय, गुड बाय गाइस, जाते जाते चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में, सी यू लेटर माय लिटिल एलिगेटर्स गाइस, बाय बाय। And how careless we be. Yeah. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk.